हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला स्तरीय बाल सभा कार्यक्रम आयोजित बाड़मेर वर्ल्ड विजन इंडिया संस्था की ओर से शुक्रवार को होटल कलिंगा में जिला स्तरीय बाल स्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बच्चों से स्वागत करते हुए उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याओं को बारीकी से जाना। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए बच्चों ने पुलिस अधीक्षक से सवाल जवाब भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला बाल सुरक्षा समिति के चेतन राम ने बाल सुरक्षा की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। नेहरू युवा केंद्र जिला युवा अधिकारी सचिन पाटोड़िया ने बच्चों को अपने विचार से संबोधित किया। जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग से DEO केशरदान रत्नू ने शिक्षा के नवाचार ओके के बारे में विस्तार से बताया। एक्शन एंड संस्था के विकास सिंह ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में विस्तार से बताया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के राकेश भाटी ने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी। विजन इंडिया के प्रबंधक विनीत बाकला ने कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया। कार्यक्रम में धारा संस्था के महेश पनपालिया, अम्मा तेज संस्था के मनीष शर्मा, वर्ल्ड विजन संस्था के दिलीप गावित, धर्मेंद्र कुमार सोनू, एंथोनी, अभिमन्यु सिंह, संजीव गायकवाड़, लाल चंद, थॉमस अब्राहम, स्वयं सेवक अशोक शर्मा व भूपेश कुमार उपस्थित थे। तो जितने भी लड़के हैं उन लोगों ने सुना होगा जरूर, MD और स्मैक गांव-गांव ढाणी ढाणी पहुंचा हुआ है। तो यहाँ से जब जाए कसम लेके जाए उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इसके अलावा शराब पी के भी उसका भी प्रचलन बहुत है और उसके बाद में अपराध भी होते हैं। और जैसे पिटिया ने बताया, पुरुष जो है वो नशे में जाके घर पे गड़बड़ अत्याचार भी करता है पत्नी पे या बच्चों पे। उसके लिए या तो उनको खुद को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, उस लेडी को, उस पीड़िता को, उस बच्चे को, पर लोक लिहाज से और घर नहीं टूट जाए इस कारण हो सकता है वो महिला या बच्ची अपने पापा, अपने चाचा, अपने दादा पे रिपोर्ट नहीं करे। लेकिन मेरी राय में, व्यक्तिगत राय में करनी चाहिए, ताकि समझाइश तो एक बार शुरू हो, उस पर थोड़ा प्रेशर और दबाव तो बढ़े कि तुम किस घर के ही नहीं, तुम्हारी बात पुलिस तक पहुंच गई है और तुम शराब पी के या नशा करके जो घर पे टॉर्चर कर रहे हो सबको, वो सहन नहीं होगा। तो उसके लिए या तो वो लोग शिकायत करें या फिर कोई पड़ोसी बता दे जिसका नाम और नंबर गोपनीय रखा जाएगा कि यहाँ पे ये पुरुष या ये व्यक्ति या बाहर वाला या घर वाला इस तरह से घर की महिलाओं को, मम्मी पर जो हैं वो 10, 9, 8, 100 और एक दो नंबर अभी आपको बता ही देता हूँ। महिलाओं की सुरक्षा की तो बात कर ली, मैं पुरुषों की सुरक्षा की बात करना चाहती हूँ। क्योंकि कई बार ये होता है कि मतलब महिलाएं जो होती है, लड़कियाँ होती है, वो रेप का केस करा के उस इंसान की, उस आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सर ये मैंने देखा है और उस मतलब मैं ये चाहती हूँ कि पहले उस चीज़ के बारे में देखिए उसके साथ हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि सर ना ये चीज़ बहुत एक सही चीज़ भी है और मुझे ये चीज़ गलत भी लगती है। क्योंकि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, वो इस चीज़ क्योंकि सुनते हैं, लेकिन कहीं कहीं मैंने अभी ये देखा है कि मतलब समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही इस चीज़ में। ठीक है, बैठो, आप बैठो। बहुत सारे कानून बने हैं, आपने सही कहा है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और तब से बने हैं जब से वो पैदा नहीं होते, जब एक भ्रूण के रूप में होते हैं। PCPNDT एक्ट लागू होता है कि आप भ्रूण का लिंग निर्धारण नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वरना वो अपराध है। और तब से लेके जब तक वो बुजुर्ग नहीं हो जाते, बुजुर्ग संरक्षण अधिनियम भी है, दहेज के विरुद्ध भी है, कालांतर में धीरे धीरे हुआ ये कि कुछ स्थानों पर इन कानूनों का दुरुपयोग होने लगा है। जैसे कि किसी परिवार में लड़ाई हो, ये एक्चुअली बिटिया ने, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये प्लेटफॉर्म उपयुक्त है या नहीं इसके लिए, क्योंकि बच्चे छोटे भी थे और बड़े भी, तो ये मैच्योर सवाल पूछा है बिटिया ने, इसलिए थोड़ा गंभीर है ये बात। जितने भी कानून बने हैं उन सब का दुर्भाग्यवश कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। जब परिवार में झगड़ा होता है, जमीन का झगड़ा होता है, मकान का झगड़ा होता है, या सिर्फ
ईगो ईगो की लड़ाई होती है, तो उसमें बहुत लोग कई बार दुर्भाग्यवश अपने घर की किसी महिला को इस्तेमाल करते हुए गलत मुकदमा दर्ज करा देते हैं। झगड़ा तो खेत का है, तो खेत के लिए तो अलग नियम बने हुए हैं, रेवेन्यू लॉज हैं, उन कानूनों के तहत होगी कार्रवाई की जमीन किसकी कहां तक है, उसकी नपाई होगी, उसका सीमा ज्ञान होगा, उसकी पत्थरगढ़ी होगी। लेकिन उस झगड़े में उस झगड़े के अंदर वो दुर्भाग्यवश अपने किसी परिवार की, पीछे आवाज आ रही है, किसी परिवार की किसी महिला का नाम लेके मुकदमा दर्ज करा देते हैं, जो गलत और झूठा होता है। उस गलत और झूठे मुकदमे का अनुसंधान पुलिस में ही होता है, और ये पूर्णतः उस अनुसंधान अधिकारी और वहाँ के अधिकारियों पे है कि वो कितनी अच्छी तरह से उसका अनुसंधान करके गलत को गलत और सही को सही करें। कई बार हमेशा नहीं होता ये, कई बार ये भी होता है कि कोई सा मुकदमा हो गया है तो गलत, लेकिन उसके साथ उसकी भूमिका में इतने लोग जुड़ जाते हैं, कोई संगठन जुड़ जाता है, कोई जाति विशेष जुड़ जाती है, कोई जना प्रेशर बना लेता है, तो कई बार पुलिस वाले बहुत सही अनुसंधान ना करके उसके प्रेशर में आके गलत चीज़ कर देते हैं, तो वहाँ पे फिर पुरुष के अधिकारों का हनन होता है। पुरुष का किसी भी, इसमें मैं ये कहूँगा कि पुरुष नहीं, जिसका भी नाम गलत लिखा है और झूठा मुकदमा है वहाँ होता है। हालांकि कानून में ये प्रावधान है कि अगर गलत मुकदमा दर्ज कराया है, झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, तो उसका अनुसंधान होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, और जिसने झूठ दर्ज कराया है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। तो वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, बहुत देर लगती है उसमें, और वहाँ तक पीछा भी नहीं कर पाते। तो होता यही है कि अगर कोई गलत मुकदमा दर्ज हो गया या झूठा मुकदमा दर्ज हो गया, दुरुपयोग हो गया, तो उसमें वहाँ का अनुसंधान अधिकारी और वहाँ के जो अधिकारी गण हैं वो कितनी अच्छी तरह उसमें अनुसंधान कर पाते हैं, उस पर ज़रूरी है। बाकी पुरुषों के लिए विशेष एक्ट कुछ भी नहीं बना, उनको सामान्य आईपीसी में जो प्रावधान है मारपीट लड़ाई झगड़े वाले वो उपलब्ध हैं। महिलाओं के पास बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे कानून अलग से बने हुए हैं। तो ये जो आपने एक बहुत मैच्योर सवाल करा है, आप सबके लिए है, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए और होएगी, आप सब उसमें पारंगत हो जाएं, लेकिन किसी भी सूरत में किसी के भी कहे में या किसी के भी बहकावे में आके गलत चीज़ नहीं बोलें। आप में इतना साहस होना चाहिए कि सही बोलें। अगर आपको कोई मजबूर भी कर रहा है कि तुम अपना उससे झगड़ा है, उसकी लड़क निकल जाएगी, ये मुकदमा दर्ज करा देते हैं, तू तो मेरी बेटी है, बेटी नहीं करेगी तो करेगा, तू मेरी बहन है, मेरी रक्षा के लिए या उसकी ऐसी तैसी करने के लिए नहीं करेगी, नहीं, वहाँ पे आपके साहस की आवश्यकता पड़ेगी कि मैं गलत नहीं होने दूंगी या गलत नहीं होने दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगी और जो सच है वही सामने लेके आऊंगी। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।